वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बोमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता कि लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं तो डेफिनेटली आप, तो आप लोगों को यह मूवी रिकेमेंड कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी 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 मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर आई एम डी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानिब से और गूगल के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर एटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट यहां पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस तो मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिणी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा तो आप लोगों का एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद आप मूवी को मैंने करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक, एक, एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी

एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है. आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता कि हाँ, लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक like किया गया क्योंकि जानना भी काफी करता है और गूगल केन आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के जानी से इस मूवी को, काफी, तक तक को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई एम के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता कि लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिक मेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पीके लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक, एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एमडीबी रेटिंग है जो कि की आई एम डीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को यह इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बोमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा तो हाँ, इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकेमेंट कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी 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 मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को यह इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों लो को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिणी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के के सामने की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां, आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकेमेंड कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम डी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी आई एमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजिली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता कि लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकॉर्म करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफ़िनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की जानिब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता कि लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिक मेंट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर बल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रेजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आज इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अरशद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बोमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है. आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं हाँ, तो डेफिनेटली आप, लोग तो आप लोगों को यह मूवी रिकेम मेंट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड तो बात कर, कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पीके लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की जानी से परसेंटेज जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को यह इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज कि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने

पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिणी हतंगड़ी और बोमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे, तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के के सामने की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकेमेंड कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी 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 मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम डी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी आई एमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी तो है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा तो लगता कि हाँ, आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकॉर्म करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी

एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई के बारे में हम लोग यहां पर आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है तो के के तो तो है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता कि लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली हाँ, आप लोगों को यह मूवी रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को, को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में हम लोग यहां पर आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आज इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अरशद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता कि लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली हाँ, आप, लोग तो तो आप लोगों को यह मूवी रिकेट कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम बी बी एस इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने तक किया गया। जानना भी काफी रोल प्ले करता है और गूगल के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को यह इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बोमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता कि लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकेमेंड कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी, अच्छी मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जानना भी करता है और गूगल के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर एटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिणी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा तो आप लोगों का एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं हाँ, तो डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी

एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई, भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के के सामने की गई है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिक मेंड करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफ़िनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की मूवी को कितने भी काफी करता है और गूगल केन आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक crawl, एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिक मेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को यह इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर बल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रेजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बोमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकेमेंट कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी 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 मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक, एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर आई एम डी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की जानिब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई के बारे में हम लोग पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिणी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के के सामने की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकमेंड कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी

एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोग एक मरतबा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकेट मेंट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अरशद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के के सामने की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिक मेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बोमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकमें कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी 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 मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को यह इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज कि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिणी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के के सामने की गई है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकेमेंड कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी 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 मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गूगल के यूजर्स की से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो एट मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी आई एमडीबी रेटिंग है एंड गूगल तो के यूजर्स की जानी से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई के बारे में हम लोग यहां पर आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिणी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिकॉर्म करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी

एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रजेंट भी की गई है आप लोगों को ये ईजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वेल तो जी अगर आप लोग भी कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर कॉमेडी हो रोमांस हो और ड्रामा भी हो अगर आप लोगों को कॉमेडी वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी प्रजेंट करके जाती है जी हाँ ना सिर्फ उस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होता है यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी साल 2003 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में हम लोग यहां पर आज आज इस इस वीडियो वीडियो में में डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर आज किस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर आज इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें और उनको भी ये सारी की सारी इंफॉमेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्ट पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी संजय दत्त देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुनील दत्त देखने को मिल जाएंगे ग्रेसी सिंह जिम्मी शेरगिल अर्शद वारसी रोहिनी हतंगड़ी और बमन ईरानी जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी मूवी आप आप लोगों के के सामने की गई है है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता कि हाँ लोग इस मूवी को तो एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यह मूवी रिक मेंट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसने संभाली है इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन की ही अगर हम लोग ने तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट की हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो राजकुमार हिरानी ने ही इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ इन्होंने थ्री इडियट्स डंकी उसी के अलावा आप लोगों को संजू पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई एम इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक 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 चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हम बात करें यहाँ पर आई एम टी वी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानिब से जानना भी करता है और गूगल के यूजर्स की परसेंटेज जानना भी कर रहा होता है तो एट पॉइंट की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर एटी नाइन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को यह इजीली देखने को भी मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर